एक काम करो, ऐसे कर लो, तब इजली निकल जाएगा। नहीं नहीं हिलो नहीं, हिलो नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी थी और जो टेस्ट था वो एक्चुअली 11-12 बजे का था, अलॉटमेंट होता है, लेकिन ये बंदा पहले ही आ गया, घर पे ही आ गया। जो टेस्ट है वो हो गया, आपने देखा। मुझे पहले बहुत डर लग रहा था टेस्ट से, बट ठीक रहा। जब नाक में उन्होंने डाला तो बहुत ज़्यादा अजीब फील हुआ, लेकिन मुंह में उन्होंने उतना अंदर डाला ही नहीं, ऊपर से ही उन्होंने ले लिया। बट मैंने उनको बताया भी कि अंदर उतना ज़्यादा नहीं गया है, तो उसने बोला नहीं नहीं इट्स ओके, ठीक है, काफ़ी है इतना। तो हो गया है, फिंगर क्रॉस्ड क्या होता है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब मैं नहा ली हूँ। ऑल्टरनेट डे ऐसे करके मैं नहा रही थी बिकॉज ऑफ फीवर, क्योंकि रोज दिन अगर मैं नहाती हो सकता फीवर जो है वो चढ़ जाता। आज आप देख सकते हो बेडशीट वगैरह सब चेंज कर लिया मैंने, और रूम की साफ सफाई वगैरह जो है वो भी हो चुका है। तो आज है day 5 और आज जो सैंपल कलेक्ट हो चुका है और रिपोर्ट विदिन 48 आवर्स आएगा, तो वी कैन एक्सपेक्टेड बाय डे आफ्टर टुमारो बाय 7th डे। डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया कि अनटिल अनलेस कुछ वैसा इमरजेंसी नहीं होता है तो हॉस्पिटल नहीं जाने के लिए, तो इसलिए हम लोग डिले भी कर रहे थे और हम लोग यही चाह रहे थे कि घर पे आके कलेक्ट करके जाए, बाहर जाना सेफ अभी है नहीं। कल रात में एक्चुअली थोड़ी तबीयत जो थी वो खराब हो गई थी, ब्रीदिंग इश्यूज थोड़े से हुए थे मुझे, क्योंकि एक जो नोज था वो ब्लॉक हो गया था और स्टीम लेने के बाद भी वो खुल नहीं रहा था। आज देखते हैं कैसा रहता है सिचुएशन। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी और मैं अपने डाइट में जो सप्लीमेंट होता है वो भी अभी ऐड किया है, जो प्रोटीन पाउडर है वो मैंने ऐड किया है। तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ। ओजीवा का ये रवि ने मंगाया है, आप देख सकते हो, प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर वुमेन फॉर बेटर मेटाबॉलिज्म एनर्जी स्किन एंड हेयर। स्किन एंड हेयर ये सब की तो अभी ज़रूरत है नहीं, बट प्रोटीन की ज़रूरत है, तो इस चलते रवि ने मंगा दिया है। तो ये मैं अभी 2-3 दिन से पी रही हूँ क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। और एक और ये चीज़ है कि इसको दूध में मिला के मैंने ट्राई किया था, नहीं अच्छा लगा। और दूसरे दिन एक दिन रवि ने हल्दी वाले दूध में डाल दिया तो दूध जो था वो पूरा फट गया। सो इट्स बेटर आज से मैं इसको पानी में डाल के लेने वाली हूँ। ये हाफ स्कूप डालना है। अच्छा लगता है तो भी पीना है, नहीं तो वीकनेस और बढ़ जाएगी। और आज मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आज day 5 है, मैं पक चुकी हूँ। इट्स बेटर मुझे लगता है कभी कभी कि कुछ काम ही कर लो, वीडियो बना लो, बट उस उतना भी करने का स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा मेरे को। आप फेस से ही आपको समझ में आ गया होगा day 1 and day 5। देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट में, उसके आगे फिर जो भी होगा। बट आज वापस से डॉक्टर से फॉलोअप करना है क्योंकि जो एंटीवायरल था वो सिर्फ 3 दिन का था, तो मेरा 3 दिन का ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो आज फिर पूछना है कि आज एग्जैक्टली करना क्या है। और 5वें दिन के बाद, 6ठे दिन ऑनवर्ड्स, अगर आपका कंडीशन, मतलब अगर वायरस आपके लंग्स तक पहुँच चुका है और अगर फीवर आता है, तो फिर जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली होना चाहिए। तो फिंगर क्रॉस्ड, क्योंकि कल मेरा 6th डे है एंड उसके बाद फिर देखना है फीवर अगर आता है। वो फीवर भी काफ़ी हाई होने लगता है 6th डे ऑनवर्ड्स, तो लेट्स सी क्या होता है। और ये वीडियो मैं तब भी डालूंगी जब मेरा रिपोर्ट आएगा। ओ रोटी है,
दाल है और इसमें पम्पकिन है एक्चुअली, और थोड़ा सा अचार लिया मैंने, और सिर्फ एक ही प्लेट में मैंने ले लिया अभी खाना, क्योंकि बार बार कौन फिर वो कटोरी एंड ऑल करेगा, सो इसलिए मैं जल्दी से खा लेती हूँ फटाफट। अभी बीबीएमपी के तरफ से बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं बीबीएमपी के, आई मीन मेडिकल स्टाफ, वो सब आए थे। उन्होंने मुझे फाइनली क्वारंटाइन कर दिया है, जो उनके साइड से है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो 19 मई तक जो है वो क्वारंटाइन हो चुकी हूँ मैं, उसके पहले मैं घर से नहीं निकल सकती। ऑफकोर्स अगर मेडिकल हेल्प चाहिए होगा तो तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज है day 7, आज फाइनली वो लोग आ चुके हैं, क्योंकि कल मेरा रिजल्ट आया था, तो काफी क्विक हैं ये लोग। ये तो देखने को मिला सुबह में, जो मेरा कॉमन एरिया है वो पूरा ब्लीच करके गए हैं वो लोग। और अभी जो मेडिकल स्टाफ है वो सब आ चुके हैं, और अभी फिलहाल वो मेरे घर में जितने भी हैं, रवि, इनफैक्ट टुकू का भी, सबका वो लोग टेस्ट करेंगे। तो लेट्स सी क्या निकलता है रिजल्ट, फिंगर क्रॉस। उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी दी हैं बेसिक, लाइक डोलो एंड एक एंटीवायरल। RT-PCR टेस्ट ही हुआ है, हम लोग करवाना भी चाह रहे थे रवि का, कि एक बार टेस्ट एटलीस्ट हो जाए ताकि पता चल जाए कि रवि जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कल रिपोर्ट आएगा इफ ही इज पॉजिटिव, अगर नहीं है तो परसों रिपोर्ट आएगा। सो आई एम जस्ट प्रेइंग कि प्लीज एटलीस्ट रवि को वो इन्फेक्टेड ना हो, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर टुकू को कौन रखेगा, इसके कारण प्रॉब्लम हो जाएगी। टुकू का नहीं हुआ है, उन्होंने टुकू का नहीं किया, सिर्फ रवि का किया है। तो मैंने आपको बताया कि 7 डे है मेरा, तो मैं अपना अपडेट दे देती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। टेस्ट मुझे आज थोड़ा सा खाने में आया है, बट स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आया है। सो गाइस, जो अपडेट मुझे देना था वो मैंने दे दिया है आज का, और अभी फिलहाल मैंने जो फूड वगैरह है वो हर चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। सबसे जो बुरा चीज़ हो रहा है वो है कि रवि को भी सिम्टम आने लगे हैं, सो वो ज़्यादा बड़ी वाली चीज़ है, क्योंकि टुकू उसी के साथ रहती है। और अगर मेरा आइसोलेशन ख़त्म हो जाता है, डॉक्टर ने बोला है जब से रिपोर्ट आया, तो मेरा रिपोर्ट जो है वो कल आया है, तो कल से 14 दिन मुझे आइसोलेशन में रहना है। लेकिन मैं देखती हूँ, अगर मैं थोड़ी भी अगर ठीक हो जाती हूँ और मुझे फीवर अगर नहीं आता है, फिर 2-3 दिन के बाद मैं टुकू को रखूँगी, फिर रवि को आइसोलेशन में आना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट टाइम है, और किसी तरह मैनेज करना है हम लोगों को, बिकॉज और कोई है नहीं मैनेज करने के लिए। क्या ही बताऊँ, बस बहुत गंदा सिचुएशन हो गया है। खुद पे अगर बीतती है ना तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, आप फिर भी अपने आप को किसी तरह कर लेते हो मैनेज। लेकिन जब साथ में फैमिली को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो उस टाइम पे लोग थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, कितना भी कोशिश कर रही हूँ। बस बहुत ज़्यादा वरीड हूँ मैं टुकू को और रवि को लेकर, कि उस दोनों को बस कुछ ना हो, बस यही चाह रही हूँ। आप लोग भी प्रे कीजिए कि ऐसा कुछ ना हो, सब सही रहे। और जो ये वीडियो है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। एक बार मैं थोड़ी अच्छी हो जाती हूँ, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस और जो भी मेरी दवाइयाँ थी या जो मैं फॉलो कर रही थी, उस पे पूरे पे एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। बाय।